माशाल्लाह से सेकंड मैरिज हुई आपकी जी। सो बच्चों से आपने पूछा था, बच्चों को कंसल्ट किया था, हाउ डिड इट हैपन? हाँ, बच्चों ने मुझसे कहा था और बच्चों से मैंने पूछा था, बिल्कुल। okay. ऐसा हो नहीं सकता ना कि course, yeah. ये दूसरी शादी जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। yeah. वो उस पे भी मैं आने वाली आपकी थी। नहीं होती। हाँ. वो मैं तो चार थी, तीन बच्चे थे, मैं एक थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक पार्टनरशिप थी जो हुई। तो डू यू फाइंड इट डिफरेंट सेकेंड टाइम कि क्या चैलेंजेस थे? बिकॉज आप बीच में जब आप डाइवोर्स के बाद कुछ ऐसे आप खुद अपने ओन पे थी, फिर एक बड़ी इंडिपेंडेंस आ जाती है ना, उस स्ट्रगल का भी टाइम होता है व्हेन यू आर रेजिंग योर किड्स एज अ सिंगल मदर आल्सो। फिर दोबारा एक रिलेशनशिप में जाना जहां आपको एक दूसरे बंदे से, पार्टनर से कंसल्ट और कॉन्स्टेंटली वो चेंज को एडजस्ट करना आसान था? हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? हाँ, शायद शुरू में दो साल, शादी के दो साल थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि मैंने एक पीरियड गुजारा था अकेले, एंड देन आपको पूरे कमरे में अपनी आदत हो जाती है, और बाकी ज़िंदगी के मसलों में, मामलात में भी, जहाँ आपको खुद डिसाइड करना होता है, खुद चीज़ें करनी होती हैं, अब हेल्प बहुत हो जाती है, ऑब्वियसली ज़ाहिर है। लेकिन हर रिलेशनशिप की अपनी जैसे डायनेमिक्स होती हैं। शुरू के दो साल थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, अब तो मैं उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है फ्री होना, जिम्मेदारियाँ सारी दे देना। यू आर नॉट द ओनली वन जो आप ड्राइविंग सीट पे नहीं होते, आप कहते हैं ठीक है मैं पीछे आराम से बैठूंगी और राइड को एंजॉय करूँ। हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर नहीं है, बल्कि यू आर शेयरिंग इट। बट डर लग रहा था जब आप जा रही थी, स्टार्ट करी थी? राविया, मेरे केस में ना डर तो ऑब्वियसली लगता, मैं बच्चों के साथ थी और ये कोई मैं अकेली नहीं थी। पहले आप पहली शादी में ऑब्वियसली होता है कि आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं बस, ठीक। सेकंड शादी ज़्यादा मुश्किल होती है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई। एंड आल्सो और बहुत फ्रेजाइल भी होती है, आल्सो बिकॉज़ आप, क्योंकि आपने वो सारा जो स्ट्रगल या इस तरह वाला दिन होते हैं ना, मुश्किल वाले दिन, आपने पहली शादी में गुजारे होते हैं, उसमें बन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, तो कभी भी कोई भी इस तरह का हार्ड कोर टाइप का, तो कभी भी किसी सख्त डिसीजन के लिए आप वो सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार हम तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे। सेकंड शादी में नहीं होता, तो इस तरह की कोई वो नहीं होती कि आपने ग्रो साथ किया होता है, ये तो मुश्किल तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को इस चीज़ का बड़ा एहसास है। एक बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपको जब एक चीज़ मिलती है ना, तो आपको फैमिली जिसको कहते हैं, वो फैमिली लाइफ का सेटअप, तो आपको उसकी बड़ी वैल्यू और कदर होने लगती है। That's true. और आपको ये समझ में आ जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सब दोबारा हो सकती हैं, बाद में हो सकती हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हम दोनों ही ऐसी सारी स्टेजेस से गुजर चुके थे, तो हमने उस रिलेशनशिप को, उस टाइम को, उस ट्रस्ट को वैल्यू देना शुरू की, और चीज़ें फिर माशाल्लाह बहुत आसान और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी हो। आप क्या एडवाइस करेंगी कोई लड़कियां जो, या ख्वातीन जो इस वक्त स्टेज पे हैं, जो सोच रही हैं एक बुरी रिलेशनशिप के बाद, या डाइवोर्स या विडो हैं या जो भी हैं, कि वो सेकेंड टाइम, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट, क्या फैक्टर वो देखें, क्या दिमाग में रखें, अगर वो डर रही हैं तो किस तरह ओवरकम करें? जल्दी ना करें प्लीज़। ओके, जल्दी ना करें, क्योंकि होता है ना कि आप एक अपने एक्सपीरियंस से इतना डर चुके होते हैं कि फिर दोबारा किसी भी ऐसी चीज़ में जाते हुए आपको डर लगता है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस कैमरे पे भी नहीं बोल सकती, ऑफ कोर्स, है ना। सो क्योंकि आपकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी जर्नी डिफरेंट है, हर सिचुएशन हर केस डिफरेंट है, तो आई थिंक जल्दी ना करें, कोई इमोशनल डिसीजन भी ना लें, आराम से बैठें, सोचें, इसको इस्तेमाल करें, टाइम भी दें, एंड आई थिंक अपने दिमाग से सोचें, दिमाग हमें ज़्यादा बेहतर मशवरे देता है, दिल के ऊपर बस शुरू शुरू में चला जाता है। मुझे बताएं, एज अ सिंगल मदर, व्हाट हैज बीन योर मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज? बच्चों को ये समझाना कि हमारी फैमिली की चीज़ें, हमारी डायनेमिक्स डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके जो ऑब्वियसली पीयर प्रेशर भी होता है, उनके फ्रेंड्स हैं, चीज़ें, सो वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है राबिया, बहुत बड़ा टॉर्चर है। जितनी बड़ी बैटल मेरे लिए थी इस सोसाइटी को फेस करने की,
उससे कहीं ज्यादा बड़ी, मुझे तो पता ही नहीं है ना कि उन्होंने क्या फेस किया व्हाट वर दे रियली गोइंग और through. कुछ चीजें उन्होंने मुझसे शेयर भी की होंगी, कुछ चीजें इसलिए भी नहीं शेयर की होंगी कि ओ यार अम्मा अम्मा को मामा कोई दुख नहीं देना, मामा तो पहले इतना कुछ कर रही हैं, इतनी परेशान है, चीजें कर रही हैं वो तो. और फ्रेंकली मैंने कभी अपने बच्चों से इस प्रॉब्लम को उनके डिस्कस भी नहीं किया हमने okay. और उनको भी पता है, तो हमारे बीच में किए वाली ज़रूर थोड़ी सी एक है, है कि मैंने, बट आई एम श्योर उन्होंने मुझसे कहीं ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारा है. मैं एक सवाल पूछी और अगर आप नहीं जवाब देना चाहें तो बिल्कुल प्लीज पूछ. मैं जब सुन भी रही थी आपके इंटरव्यूज़, और बहुत हमारे यहाँ वैसे ही जनरली जब रिलेशनशिप्स टूटती हैं सोसाइटी में तो वी लुक डाउन अपॉन इट, यू नो, इतना इंकरेज नहीं किया जा सकता, स्पेशली अ वुमन टेकिंग इट हरसेल्फ, यू नो. आपने ये डिसीजन लिया, फिर आपके बच्चे सब कुछ, कभी कभी गिल्ट फील होता था कि ये मैंने क्या किया उनके साथ? हाउ डू यू लिव विद इट? आई मीन बिकॉज यू वर अनहैप्पी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, आप कोई जजमेंट कॉल नहीं कर सकते किसी के ऊपर, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, वी कांट से कि इसने गलत किया उसने सही किया, लेकिन बाद में उस डिसीजन के साथ रहना आपको पड़ता है और फिर अपने बच्चों को भी देखना कि वो मेरी वजह से मैं ये हो रहा है, तो वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. डिफ़िकल्ट टाइम होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत दफ़ा लगता था, जबकि मैंने अगेन ये वो थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैंने बहुत ओपन बच्चों से, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों पर हम बड़े ओपन होकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सारे वक्त को कैसे गुजारा, मैंने बाकी सारी चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहा और कोशिश की जितना मैं रख सकी, लेकिन हाँ ये मुझे होता था कि यार, क्योंकि देखिए जब आप माँ बन जाते हैं ना तो फिर आपकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़, सोचने के अंदाज, सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, आपकी अपनी सेल्फ कहीं पीछे चली जाती है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो वो सोचें वो गिल्ट के जहाँ आपको ये लगता है कि यार ये मैंने अपने लिए कर लिया, बट मैंने बहुत क्योंकि माँ हमेशा पहले अपना सोच बच्चे का सोचती है, बच्चे का सोचती है. फॉर सो आप आई कैन टोटली आई मीन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. सो बट अगर कोई लड़कियाँ इस वक्त ये सोच रही हैं, किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रही हैं और बच्चे हैं, क्या बोलेंगी आप उनको, कुछ कहना चाहेंगे? यार फ्रेंकली मैं बताऊँ, मैं ये नहीं कहती कि आप कर लें या ये डिसीजन या नहीं करें, बट मैं वो तो लोगों को बताना चाहती हूँ, ये स्पेशली लड़कियों को, कि देखो हर रिलेशनशिप डिफरेंट होती है, उसको डील करने के अंदाज भी डिफरेंट होते हैं. अगर आप चाहती हैं और आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मैंने एक मेरे पास हर तरह की आसानी थी, बाकी चीज़ें जो शायद और ख़वातीन के पास नहीं हो सकती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत हद तक थी आपके पास. बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आप अपने डिसीजन को रीथिंक ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी भी दूसरे रिश्ते में बंधेंगे वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कॉम्प्रोमाइज, मुझे बहुत गलत लगता है ये वर्ड इस हवाले से कहते हुए, आप एडजस्ट करते हैं, है ना. सो वो एडजस्टमेंट जो है जब आपको आगे जाके करनी है तो आप जिन हालात में हैं, हाँ, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि नहीं भाई अब ये वाली चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो तो ऑब्वियसली जिसका होगा केस वो उसको पता होगा ज़्यादा, बट अगर कर सकती हैं तो फिर, क्योंकि आप बहुत बच जाएंगे. मुझे तो बेनिफिट ये लगता है फ्रेंकली कि यार इस सारी चीज़ से जो आप बैटल लड़ेंगे उस सारी उससे तो बहुत बेहतर है कि आप अपने जो आप करियर जो भी आपका है जिस आप उसको टाइम दे लें यार, इधर भूल जाएं थोड़े दिन. फ्रेंकली मैं कोई ये नहीं कह रही कि अपने ऊपर जुल्म करें, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने सोचा नहीं कि बजाय इसके कि आप उस सारे से आप अपने आप को डेवलप करें, हाँ, अपनी एनर्जीज, सिर्फ क्योंकि आप कुछ जब नहीं कर रहे होते या आपके पास और कोई डाइवर्जन नहीं होता ना, तो आप फिर सिर्फ सोचते रहते हैं, फिर वो आपको एक चीज़ दस के बराबर लग रही होती है. True. क्योंकि आपके पास सोचने के लिए और कुछ और है कुछ नहीं होता है. तो अगर आप कोई काम कर रही हैं या आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या आप पढ़ रही हैं जो भी आपकी फील्ड है और जिस भी, तो आई थिंक आप अपनी एनर्जी ज़्यादा वहाँ लगाएं, उससे आपको इतना हर चीज़ नहीं मिलती. हर चीज नहीं मिलती, परफेक्ट नहीं होती जिंदगी, परफेक्ट नहीं होती लाइफ. परदेश कैसे आया आपके पास? परदेश कैसे आया? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरे तो अपने मियां जो हैं, मेरा अपना हस्बैंड गेस, तो मेरा ट्रैवल्स, ही इज नॉट हियर. हां हां, नहीं वो अब शंट करते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन तो वो मुझे कभी-कभी तो कुछ ऐसे डायलॉग्स थे मुझे लगता था ओ ओ रियली. हां हां, मैंने कॉपी करके सुनाए भी हैं फोन पे.
मुझे सुनना है, मुझे देखना है कैसे आपने किया. उन्होंने आगे क्या जवाब दिया जब आपने वो डायलॉग बोला? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को हर वक्त बोलती हूँ ना कि तुम वहाँ बिजनेस खत्म करो, वो बिजनेस खत्म करो, तो वो मुझे भी बोलता है कि तुम क्या, तुम ये जो कर रही हो. वो ये नहीं कहते तुम सपेट के वहाँ पे आ जाओ, वो कहते हैं मैं तो गई थी आपको, मैं तकरीबन एक साल दो साल जी रही हूँ.